Hello guys, how are you all? I hope you're doing well. My name is Zishan and you are watching my YouTube channel Learn English with British. दोबारा से मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे. Yes guys, आप लोगों का सभी का प्यार मिल रहा है मुझे and you all are seriously loving my videos. सब लोग मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. And please guys, इसी तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते रहिए, मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा. Yes, तो आज का जो लेसन होने वाला है वो बेसिकली कुछ अलग हटके होने वाला है. आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स जिसकी बेसिस पे आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो. तो आज का जो लेसन होने वाला है वो बेसिकली आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर होगा. ओके गाइस, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा. तो प्लीज गाइस, सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच माई वीडियो टिल द एंड. तो एक ऐसा सवाल जो आपसे हर जगह पूछा जाता है, चाहे आप कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, चाहे आप कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपसे ये सवाल हर जगह पूछा जाएगा. ओके, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर देर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब और देर आर सो मेनी लिंक्स आर अवेलेबल. बट जो मैं आप लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने तरीके से बताने वाला हूँ उससे होगा ये कि आप इंट्रोडक्शन को कभी भूलेंगे ही नहीं. तो बेसिकली जो मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा यहाँ पे वो कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बताऊंगा एंड दोज पॉइंट्स यू कैन यूज and you can memorize also. So let's get started. So सबसे पहला पॉइंट है आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन में जिसको आप सबसे पहले बोलेंगे जाके, वो है आपका सैल्यूटेशन. Yes, you heard it right. Salutation. और salutation आपको कैसे करना है? Basically salutation का meaning क्या होता है? सबसे पहले मैं वो बताना चाहता हूँ. Salutation जैसे हिंदी में, उर्दू में सलाम नमस्ते दुआ होती है, वैसे ही इंग्लिश में हम salute करते हैं. Salute आप कर सकते हो according to the time. अगर morning में है तो good morning, afternoon में good afternoon, evening में है तो good evening बोल सकते हैं आप. Yes, तो हमारी interview की जो शुरुआत होती है, self introduction की शुरुआत होती है, वो salutation से होती है. So opening आप कर सकते हैं about yourself. Means आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना है. Means your name, आप कहां के रहने वाले हो, कहां रह रहे हो, वो सारी चीजें आपको बतानी है अपने बारे में. एंड द थर्ड पॉइंट वुड बी अबाउट योर फैमिली. उसके बाद अगर आप चाहो तो अपनी फैमिली के बारे में बताना है आपको. बट मेक श्योर वन थिंग ओवर हियर, इफ यू आर टेलिंग अबाउट योर फैमिली मेक श्योर इट शुड बी इन ब्रीफ. थोड़ा सा ब्रीफ में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे आपके बारे में पूछेगा ना कि आपकी फैमिली के बारे में, वो इंटरेस्टेड होगा. यस, बताना जरूरी होता है. You can only tell them about your mom, your dad. आप अपने मम्मी के बारे में बता सकते हैं, अपने पापा के बारे में बता सकते हैं. Let's suppose मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, माई फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई. और जहाँ पे भी वो जॉब करते हैं उसके बारे में बता सकते हो. उसके बाद आप बता सकते हो अपनी मम्मी के बारे में, माई मॉम या माई मदर इज अ हाउस वाइफ और हाउस मेकर. इस तरीके से आप अपनी मम्मी के बारे में बता सकते हैं. उसके बाद इफ़ यू वॉन्ट टू टेल, यू कैन टेल अबाउट योर सिबलिंग्स. अब सिबलिंग्स क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको. सिबलिंग्स आपके भाई बहन, दो है, तीन है, जितने भी हैं आप उनके बारे में बता सकते हो. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट आपका होने वाला है वो होता है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन. यस, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इज मस्ट. तो उसको आप फैमिली के बाद बताएंगे. मीन्स आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आपको इसके बाद वो बताना है. आफ्टर योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन उसके बाद आपको बताना है एम के बारे में. यस, आपका एम क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, आपको वो बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और जब आप बता देंगे अपने एम के बारे में, जब एम के बारे में आप बता दोगे तो उसके बाद आपको बताना है कि आप कर क्या रहे हो अपने एम को अचीव करने के लिए. मीन्स व्हाट आर यू डूइंग टू अचीव योर एम और गोल. एंड आफ्टर टेलिंग योर एम, आप अगर बताना है तो थोड़ा सा एक पॉइंट और भी उसमें ऐड अप कर सकते हो. व्हाट अदर थिंक अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं. मींस आपकी फैमिली क्या सोचती है, आपके सिबलिंग क्या सोचते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप लाइटन अप कर सकते हो इसके बाद. इफ यू वांट टू ऐड अप, अगर नहीं ऐड करना चाहते हैं फॉरगेट इट. Fine, let's go ahead. Then after you have to tell about your hobbies and interests. Yes guys, hobbies batana zaruri hai, but make sure hobbies ek ya do ho to zyada acha rahega. Do se zyada hobbies aapko nahi batani hai, because interviewer is not interested to know about your hobbies. Means wo interested nahi hai aapke bare mein bahut zyada hobbies sunne ke liye. To make sure ek ya do batayenge, that's it, usse zyada aap nahi batana hai. Aur make sure jo bhi hobby aapki hai ya jo bhi aap karte ho, like maybe aapka interest
हो सकता है, तो थोड़ी सी उस फील्ड के बारे में, हॉबी के बारे में नॉलेज होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समटाइम्स इंटरव्यूअर मे आस्क यू अबाउट योर हॉबी, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है, तो अगर उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे आप तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यस गाइस, एक ऐसा सवाल, एक ऐसा पॉइंट जिसको अक्सर लोग नहीं इंक्लूड करते हैं, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी स्ट्रेंथ है क्या और उनकी वीकनेस क्या है, तो मेक श्योर एटलीस्ट यू मस्ट नो अबाउट योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से पूछिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। वैसे तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको खुद भी पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यू मे आस्क अबाउट एनीवेयर अबाउट योर स्ट्रेंथ, आपसे आपकी स्ट्रेंथ के बारे में कहीं भी पूछा जा सकता है। तो अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता होती है। यस, तो मेक श्योर स्ट्रेंथ आपको बताना जरूरी है। एंड व्हाइल टेलिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ यू मस्ट टेल अबाउट योर वीकनेस। यस गाइस, आपको उसके बारे में वीकनेस भी बतानी है। यस, जब आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो इट इज मस्ट टू टेल योर वीकनेस, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट इन दिस लाइफ, एवरीबडी हैज सम वाइसेस एंड वर्च्यू। अगर आप चाहें तो इस लाइन को भी एडअप कर सकते हो वहां पे और अपनी वीकनेस के बारे में बता सकते हो। एंड मेक श्योर व्हाइल टेलिंग योर वीकनेस, जब आप अपनी वीकनेस बताएंगे तो वहां पे आपको एटलीस्ट यू हैव टू टेल समथिंग व्हाट यू आर डूइंग टू रिमूव योर वीकनेस, टू वर्क अपॉन योर वीकनेस। बेसिकली वीकनेस किसी की भी अच्छी तो नहीं होती है वैसे भी, बट हमें बताना भी जरूरी होता है। तो मेक श्योर जब आप अपनी वीकनेस को बताएंगे, लेट्स सपोज मेरी वीकनेस क्या है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हूं, तो आपको किस तरीके से अपनी वीकनेस को बताना है, और साथ ही साथ में ऑन द अदर हैंड सो व्हाट यू आर डूइंग टू गेट रिड ऑफ योर वीकनेस वो भी आपको बताना है। लेट्स सपोज इफ आई वुड से अबाउट माई वीकनेस, आई एम बिट इमोशनल and I know that being emotional is not good. Sometimes I easily believe on others, मैं दूसरों पे जल्दी विश्वास कर लेता हूँ, और sometimes I feel cheated also, लोग मुझ पे थोड़ा मुझे cheat भी कर देते हैं, और I know like it is not good for my profession also, मेरे profession के लिए भी सही नहीं रहेगा। So sir, I'm just working upon my weakness, I'm working upon my emotions, and I'll make sure very soon I'll get rid of it. That's it, इतना ही बता सकते हो आप, उसके बाद close down करके आप wrap up कर सकते हैं। Okay, so that's it from my साइड। आज मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया, और इंट्रोडक्शन को बताने का एक तरीका बताया, एक पैटर्न बताया। बेसिकली पैटर्न क्या है, आपको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जाना है। लाइक सपोज सैल्यूटेशन, अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर फैमिली, योर एजुकेशन एंड योर क्वालिफिकेशन, एंड आफ्टर टेलिंग योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन व्हाट यू आर डूइंग दीज डेज, व्हाट अदर थिंक अबाउट यू, योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, close down. Thanks. That's it. Thank you so much guys for watching my video. I hope you have enjoyed my video. और अगर आपने मेरा video enjoy किया है तो please guys like करिए, and please do not forget to subscribe. मेरे video को subscribe करना मत भूलिए, and अगर आपका कोई friend circle है, कोई friends लोग हैं जो मेरे videos को देख के सुन के कुछ benefit अगर उनको मिल, please make sure do share my video with your friends also. Thanks for watching.